नमस्कार बंधु आज हम लोग आए हैं जहाँ पे एक किसान बंधु है जो सोलार का सिस्टम लगा के खेती करना शुरू किए हैं मेरा नाम आशुतोष महातो गांव है जबला डिस्ट पुरुलिया वेस्ट बेंगल ये टू एच का फंक्शन लगा हुआ है टू एच फंक्शन में अराउंड एक एकड़ का खेती होता है ये शुरुआत का साल है कम से कम इसे एक एकड़ अच्छा तरह से सिंचाई होगा थी? हाँ हो जाता है आराम से कोई दिक्कत नहीं होता अच्छा इसमें से गोभी का खेती किया गया है और अभी ये गोभी हार्वेस्ट होने वाला है हो भी रहे हैं तो इसका बेसिस पे बाकी किसान बंधु लोग भी करना चाहते हैं थी? कि सोलर का सिस्टम लगा सकते हैं इसी सिस्टम के जाने से किसान को अच्छी तरह से नव मिलेगा क्योंकि अभी जो डीजल का महंगाई इलेक्ट्रिक का महंगाई आप देखते चलेंगे तो उसका बेसिस पे सोलार एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे जाके आपको अच्छा लाभ देगा इवन पोल्यूशन के लिए भी ये सोलर सिस्टम अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है गवर्नमेंट का तरफ से भी इसको प्रमोट किया जा रहे हैं काफ़ी सारे गवर्नमेंट का स्कीम्स भी है आप अपना स्टेट में अपना ब्लॉक अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी पता करेंगे तो इसका सब्सिडी मिल जाता है आप आ, आप भी इसको देख सकते हैं तो पूरा सिस्टम्स आपको बताने का कोशिश करेंगे इसका जो डीप है जितने डिप आप करेंगे उतना ही उसी तरह का खर्चा होगा तो मैंने जो किया चार सौ फीट डिप किया है डिप करने के लिए मुझे तकरीबन एट्टी फाइव थाउजेंड रुपया खर्च हुआ है और उसके बाद जो प्लेट प्लेट ये दूसरा सोलर सिस्टम सोलर ऑल सिस्टम जो है हुँ. उसी के लिए एक लाख सत्तर हज़ार रुपया खर्च हुआ ना दो लाख अड़सत् दो लाख हा, हा। सत्तर हज़ार तो इसी का बेसिस पे ये पूरा इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे होते भी जा रहे हैं और आशुदा इसका ड्रीम भी देख रहे हैं कि ये लगातार लंबा समय तक चलेगा और इसमें से खेती होगा हम लोगों को भी लगता है काफ़ी जगह का भी देखा हूँ कि इसका बेसिस पे आप जाएंगे तो खेती लंबा समय तक चल सकते हैं सोलर का मेंटेनेंस के लिए अभी तो किसी चीज़ का जरूरत नहीं हुआ उसके बाद थोड़े दिन बाद पता नहीं हाँ हाँ कौन कौन चीज़ का क्या जरूरत पड़ता है तो है, यहाँ बोर ऑयल किया गया है और पूरा सोलार का सिस्टम्स लगाया गया जहाँ सोलार का पावर लेके पानी को निकालते हैं और उसी से ये पटवन होता है तो लगभग देखेंगे तो ये टू एच का फंक्शन लगा हुआ है टू एच फंक्शन में अराउंड एक एकड़ का खेती आपको होता और है और किसी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे ভিডিও এহি তক হচ্ছা লাগে হ্যাঁ তো প্লিজ লাইক